सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। के अंदर में जिस हिसाब का नाटक और जिस हिसाब की राजनीति हो रही है उसी के संदर्भ में कई दिन से सोच रहे थे कि कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन जिस हिसाब का मनीष सचिन जी के साथ ये वे अन्य साथियों के साथ हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज इस बात को भी माननीय सचिन जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सचिन जी, अगर आपको ये कदम उठाना था तो जिस दिन समाज ने और इस जनता ने आपको सर पलकों पर बैठाया था और चुनाव जीत कर आए थे, अगर उस दिन इस कदम को आप उठा लेते तो आज राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आप होते, क्योंकि उस टाइम ना कांग्रेस के पास सदस्य पूरे थे, इंडिपेंडेंट अपने फ्री थे, बीएसपी के बीएसपी में थे वो कहीं जा नहीं पा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई थी। मैं समझता हूं उस टाइम ये प्रेशर होता और सेंटर से जो नेता आज गए हैं, जो आज आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, यही नेता जाकर और उस टाइम फैसला लेते कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी, नहीं तो जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट बननी चाहिए कांग्रेस की और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। और मैं आज इस बात को मानता हूं कि इसमें कहीं कोई दोहराई की बात नहीं, आज इस राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। मनीष सचिन जी, आप टोंक से विधायक हो, मेरे क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा, मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार इस राजस्थान प्रदेश के अंदर में शायद माननीय स्वर्गीय राजेश पायलट को भी उस टाइम शायद ऐसा समर्थन नहीं मिला होगा, जिस हिसाब से आपके साथ गुर्जर समाज ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीता और आपके संपूर्ण समर्थन में लोगों ने सिर्फ एक बात की इच्छा जाहिर की कि कैसे करके गुर्जर समाज का अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो हम बाद में और कोई चीज देख लेंगे, लेकिन हम सब ने ये बात तय करी कि हम जब जब भी हम गए तो लोगों ने एक ही बात रखी कि साहब हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, लेकिन आप हमसे कुछ मत कहो। हमने यहां तक भी कहा कि हमें कल को टिकट नहीं मिलेगी तो उन्होंने कहा टिकट के लिए हमें जहां मर्जी ले चलना, लेकिन आज हमसे मत बोलो क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन रहा है। सचिन जी, उस टाइम आपने कोई परवाह नहीं करी और आप डिप्टी सीएम तक भी चुप लगा गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज भी जिस टाइप की टिप्पणी आपके साथ हो रही है, आप बार बार कह रहे हो मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ मेरी छवि खराब की जा रही है, आज आप मान के चलो माननीय अशोक जी गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भली बात ही सब जानते हैं, जो कहता वही होता है, इनमें कोई दोराय की बात नहीं। अगर आपके साथ अन्यायपूर्ण रवैया था तो मैंने बताया था आज आप इस बात को लेकर चलते कि मेरे समाज की नहीं सुनी जा रही, मेरे क्षेत्र की नहीं सुनी जा रही, मेरी जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही और जो मैं वादे करके आया हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, टोंक की रेल के लिए आपने वादा किया था कि 500 करोड़ रुपए मिला के दूंगा, आज किसी मुद्दे को अगर लेके छेड़ते तो शायद हम सबको अच्छा लगता कि माननीय सचिन जी पायलट ने अपनी बात को रखा है और इसलिए उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। सचिन जी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज तो आज भी आपके साथ लग जाएगा, समाज में कहीं कोई वो नहीं है, समाज तो ये बात चाहता है लेकिन आपको फैसला लेना होगा, आप फैसला लो। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके साथ तो ये दोहरा हो रहा है उसके बाद भी आप फैसला नहीं ले पा रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं और जहां देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी बैठता हो उस लोकसभा के अंदर में भी मैंने खुद ने बात रखी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में 72 लोग गुर्जर शहीद हुए थे और हमारे घोषणा पत्र में भी था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5% का आरक्षण 9वीं सूची में डालकर और गुर्जरों का आरक्षण दिया जाए, नहीं तो गुर्जर फिर कहीं रोड पर आएगा और फिर आंदोलन होगा। मैं सांसद था और उस लोकसभा में अंदर कभी बोल भी कोई नहीं सकता, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के समय में जब ये 72 शहीद हुए थे आप कांग्रेस में मंत्री थे, आपने एक जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को उठाइए कि मैं समाज की वजह से है। आज आप कुछ सोच के देखिए, 1.5-2 साल के अंदर में आपने एक दिन एहसास नहीं करा पाया इस कांग्रेस पार्टी को कि आज अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो मेरे समाज की वजह से है, मेरी वजह से है। आप तो पता नहीं कहां शांत हो गए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी आप फैसला लो। आज भली भांति जानते हो कि गुर्जर रेजिमेंट का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया था, मैंने उस लोकसभा के अंदर में गुर्जर रेजिमेंट की मांग भी की थी और उसी दौरान कहा था
कि माननीय मंत्री जी, रक्षा मंत्री उस टाइम मनोहर पर्रिकर जी थे, कि माननीय रक्षा मंत्री जी मैं आज आपसे निवेदन करना था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसते हैं, आज गुजर बकरवाल के बच्चों को शिक्षा में छूट दे दो। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर गुजर बकरवाल के बच्चों को शिक्षा में छूट दे दो और गुजर का बच्चा भर्ती हो जाएगा तो हाथ में बंदूक भी मत देना, डंडा भी दे देना, अगर आतंकवादी फटक जाए तो मेरा गुजर नाम मत रहना, सुबीर नाम मत रहना, मैं आपको वादा करता हूं। और साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज गुजर बकरवाल की भर्ती में छुट्टी मिली और सबको आज छूट मिलकर सभी भर्ती हुई। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में आतंकवाद को खत्म कर दिया। और तो और, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बात का धन्यवादी और आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उस केंद्र के नेताओं ने सबसे बड़ी छूट ये दी कि 8 से 10 सीट गुजर बकरवाल की सीट आरक्षित कर दी और 2 से 3 सीट लोकसभा की आरक्षित कर दी। ये बहुत बड़ा योगदान मेरी मांग के पीछे हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब भली भांति जानते हो कि माननीय सचिन जी पायलट के साथ जो व्यवहार हो रहा है, आप भी भली भांति जानते हो कि जिस आदमी के साथ आपने पंगा लिया है, इस आदमी को पीछे का बैकग्राउंड देखो। अगर जिस साहब के राजनीति में जो भी आज से बहुत बड़े बड़े नेता उभरे थे, आज तो मैं समझता हूँ आपके बारे में उन्होंने कहा था कि जब 3 साल का सचिन था मैं तब से वहां पर जाता हूँ। माननीय राजेश पायलट जी के साथ उनके संबंध रहे हैं, कांग्रेस में थे, कोई दोहरा की बात नहीं। लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी वो समर्थ रखते थे, वो हौसला रखते थे, वो उनके अंदर में दृढ़ संकल्प था कि सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ लिया था और फिर भी उसके बाद में भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं बनी थी कि उनको बाहर कर दिया जाए। मैं आज से निवेदन करना चाहता हूँ, आज तो सिर्फ आप सबके पास पावर थी, आज आपके साथ जो हो रहा है, आज अहम फैसला लो। आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समाज तो आज भी आपके साथ लग जाएगा। आज अपने ससुराल पक्ष को आप पटा लो, अगर ससुराल पक्ष आपका मान जाए तो मायका पक्ष तो आपके साथ लग जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तीसरा कदम आप राजनीति में रखो, क्योंकि बार बार इतना अपने आप को बेइज्जत करने का और उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी में जाकर आप समर्थन करते हो तो मैं समझता हूं कोई धिक्कार उसके बाद में जाना। जिस आपकी आप बात कर रहे हो कि मैं आहत हूं, मैं परेशान हूं, आप भली भांति जानते हो। आज जिस हिसाब से उच्च न्यायालय फैसला देगा, मैं कोई वकील तो नहीं हूं, ना ही मैं कोई जज हूं, लेकिन मैं मानता हूं जिस हिसाब का आपको नोटिस दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी आप भली भांति जानते हो कि विधानसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में स्पीकर को बहुत बड़ी पावर है। आज फैसला हो जाए, अगर लोकसभा का सत्र, विधानसभा का सत्र अगर अगले 3 दिन के अंदर में बुला लिया गया, कि मानसून सत्र का समय भी है, और सत्र अगर बुला लिया गया, स्पीकर ने आपको नोटिस दिया, या तो आप आकर कांग्रेस पार्टी के हां में हां मिलाओगे, अगर कांग्रेस पार्टी के हम हां नहीं मिलाओगे, नहीं आओगे, तो आप भी भली भांति जानते हो कि स्पीकर की पावर क्या है। स्पीकर आपको नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद में आपको जवाब का समय देगा, उसके बाद स्पीकर जो भी कुछ करेगा वो भली भांति जानते हो। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए सामर्थ हो कि आज किस बात के आप इंतजार कर रहे हो। अगर मैंने आपको बताया, आज अगर आपकी कुछ जान बची हुई है और आपको कुछ राहत मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का डर है। और अशोक गहलोत जी बार बार ये बात सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र में को अस्थिर ना कर दे, इस बात के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ी एक दाएं बाएं से होकर आपको सपोर्ट मिल रही है, तब आपकी जान बच रही है। नहीं तो अगर ये सेंटर का डर नहीं होता, आज भी अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आपके साथ क्या व्यवहार होता, आप भी भली बातें जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्योंकि पीछे का इतिहास आप उठाओ तो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भली भांति इस बात को परिचित हो कि जिस आपका व्यवहार आप लोग है, मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से वीर गुजर का एक इतिहास लिखा जाता है, आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हे सचिन पायलट जी, आप वीर गुजर बनो और भगवान देवनानक को साक्षी मानकर फैसला लो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये समय घड़ी आते हैं फैसले लेने के लिए, राजी राजी में कभी फैसले लेने घड़ी नहीं आती। इसलिए मेरे साथ तो बीती हुई है इस देश के अंदर में और राजस्थान प्रदेश के अंदर में। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब जब भी इस आरक्षण का जिक्र चलेगा, इस कर्नल त्रिवेंद्र सिंह वैश्य की लाल पगड़ी हमेशा एक चिन्ह आप हमारे लिए, हम आप सबको गौरव महसूस करती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद याद नहीं होता। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर में अनेकों रैलियां मैंने अपने हिसाब से की। आज गुर्जर प्रदेश, गुर्जर राजनीति में जिस हिसाब से लोगों को समर्थन मिल रहा था, आज भली भांति बहुत लोग आपके लिए लिख रहे हैं, बहुत लोग अशोक चांदना सिंह से भी जय कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि युवा भावना में बह जाता है, युवा अपनी भावना रखना चाहता है। लेकिन आप खुद सोचते हैं सचिन जी, अगर आपने कभी विधायकों को बुलाया होता, कभी बैठाया होता, तो हाल हो सकता है वो भी आपके साथ खड़े होते। लेकिन आप सब आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसे मैं सांसद हूं, मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूं, ऐसे ही वो लोग भी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के साथ रहें और पार्टी के साथ
खात रहे हैं। आज वो अगर आते तो मैं समझता हूँ आज उन्हें प्यार से दुलार से अगर आप पौने दो साल समय देते और उनको पुकारते तो अभी आप जाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपको लोकसभा में दो बार भेजा, वहां पर मंत्री बनाया, उसके बाद में आज विधायक बनाया, आपको वहां बनाया, विधायक बनने के बाद में भी जिस हिसाब से आपने टॉप की जनता ने आपको मान सम्मान दिया था, उसके बावजूद भी आप कुछ सोच के देखो कि जब तक आप दूसरे आदमी को पसंद नहीं करोगे, जब तक दूसरे आदमी को साथ बैठाना पसंद नहीं करोगे, तब तक समाज आदमी के साथ नहीं देगा। आप लोकसभा के अंदर में दो बार तो मेरे सामने बीत गया, आप उसके बाद में भी हर पंचायत तक आपने हेलीकॉप्टर उतारा। आप कुछ सोच के देखो, मैं कहीं एक बार भी आपके खिलाफ नहीं गया। जहां जहां मैं गया मेरे समाज के लोगों ने कहा कि आप मत आओ, हमें मौका दो। आज जिस दिन आपका मौका आएगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जिन विधानसभाओं में 42,000 से आज प्रशांत बैरवा आपने जिताया था, आज प्रशांत बैरवा आपको ढूंढा भी नहीं मिल रहा। जो उसके बाद में मैं 44,000 वहां से निवाई से जीत के आया था, जिस सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को आपने गुर्जर समाज की वोट दिलवाई थी, पहले दिन आपके साथ आ गया, उसके बाद में आज भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। मैं अनेकों नाम आपके साथ ले सकता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।